यहाँ पे देखिए मंदिर की वो सजावट हो रही है कल के लिए, मतलब कि सारे क्या मतलब कल के लिए ऐसी तैयारियां हो रही है। आगे देखो यार, आई मुट्ठी सजाई हुई है पूरी रूम की, देख सकते हो यार, इसने पूरा फैन, फॉल सीलिंग, पीवीसी और यहाँ पे माता की सीनरी एडवर्ट कर दिया। और ये रहे हमारे ताई जी, जिनसे मिलने आ जाए हम। इधर देखो, आते रजाई पहले पकड़ ली, ठंड है। दीदी के घर आ गए थे और आज सुबह सुबह दीदी ने देखो क्या बना के खिला रहे हैं। परौंठी नहीं है भाई, पूड़ी है, पूड़ी और प्लॉट। और ये रही गली एक दो, घर पे ना झंडा है भाई, कुछ अलग ही मतलब कहते हैं, एक ही नारा है जय श्री राम, जय श्री राम। और वो देखो झंडे पे आ रहे हैं लड़के, आ रहे हैं लड़के, बाइकें लेके आ रहे हैं। हाजिर बंदी, हाजिर बंदा नहीं आया, छोटा वाला बंदा हमारा, छोटा वाला बंदा नहीं आया, बंदी आई है बस। नहीं हमारा छोटा वाला बंदा, वो बंदा उधर ही रहा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज के दिन की हमारी शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे बंदों के पास। देखो बंदा स्लेटा हुआ सुबह सुबह ही नंद ले रहा है भाई, गार्ड कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं इसको। तो आज के दिन की हमारी शुरुआत हो रही है घर से, क्योंकि अभी करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आए थे जैसे कि रात को हम शादी में गए थे, शादी से सीधा दीदी के घर आ गए थे। और आज सुबह सुबह दीदी ने देखो क्या बना के खिला रहे हैं। परौंठी नहीं है भाई, पूड़ी है, पूड़ी और आलू के चिप्स। और इधर है चने और उधर है आर्यन। आर्यन हेलो नहीं करना आज, कुछ बोलना नहीं, आर्यन बोलना कुछ नहीं है आज, बोलना है आज। आ जा जल्दी, आ जा आगे, जल्दी आ जा आगे, जल्दी आ जा जल्दी, मैं चला जाऊंगा अभी, दौड़ के आ जा दौड़ के। तो चलो गाइस, ये भी आता है, इसको देखते हैं, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, और ये कब तक आता है हमारे पास। फिर ब्रेकफास्ट करके जैसे निकलेंगे फिर मिलेंगे आपको। और अभी आर्यन आ रहा है, आ जा जल्दी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ब्रेकफास्ट कर लिया इसने, सबसे पहले ही कर लिया आज, सबसे पहले किया था। हैं पेट में क्या चल रहा था, क्या नाच रहा था पेट में, क्या नाच रहा था बोल, क्या नाच रहा था? अरे यार बोल तो सही, क्या नाच रहा था, क्या नाच रहा था? नहीं बोलना, नहीं बोलना। चलो ठीक है, फिर पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि आर्यन क्या बोलता है। तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं आराम से, फिर देखते हैं। बाय बाय आर्यन को करते हो, बाय बाय, चलिए आ चलते हैं, आ चलते हैं, नहीं जाना, नहीं जाना अभी, नहीं पापा के साथ। तो चलो गाइस आर्यन को करते हैं बाय बाय और निकलते हैं अभी, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, अब तू आना हमारे पास, अब आर्यन आएगा, अब आर्यन आएगा हमारे पास, ठीक है? ठीक है जी, चलिए चलो चलो गाइस, इसी को हमें ना आज प्लॉट में से भी, गाड़ी की तो बुरी दशा है, प्लॉट से चक्कर लगा के चलते हैं। ये और यहाँ पे रहा मेरा प्लॉट, पीछे चलते हैं, वहाँ से भी होके आते हैं। यस सामान डाल दो गाड़ी में, तो चलो प्लॉट से होके चलते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं प्लॉट में, देखते हैं प्लॉट की क्या संदेश है उसका प्लॉट से, क्योंकि मैंने जैकेट डाली है बाहर, भाई साहब बहुत ठंड है, मैंने ब्लेजर चेंज करके जैकेट डाल ली थी। और यहाँ से ये शॉर्टकट रास्ता है छोटा सा जो मेरे प्लॉट को जाता हुआ, ये रहा दीदी का घर और ये रहा अपना प्लॉट। ये एक नाइस, ये रहा प्लॉट और ये रही गली एक दो और तीन, और ये रहा अपना प्लॉट। बाकी इसमें सब्जी सब्जी अभी फिलहाल लगा दें, बाकी कुछ नहीं। अरे भाई साहब क्यों बोंक रहे हो, डॉग हमें देख के बोंक रहा है। आर्यन आ गया तू, लो देख लो जी प्लॉट, ठीक है? कौन से वाला रूम है? जब बनेगा तब हैं, मैं आप गेट इधर कौन से जाता है, हां इधर से शॉर्टकट हो जाएगा। बाय 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 बाय। तो चलो चलते हैं, अभी गाड़ी का टायर तो पूरा ही बैठ गया है, देखते हैं पेट्रोलों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कितना टाइम लगता है इसमें, अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि ये पूरा ही ना बैठ जाए इस चक्कर में।
तो मिलते हैं आपको पेट्रोल पंप पे जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे तब। जय श्री राम। और देखो यहाँ पे जय श्री राम के झंडे लेके जा रहे हैं क्योंकि कल है, कल क्या है, 20 जनवरी, सेकंड दिवाली बनाई जाएगी। और देखिए क्या, जय श्री राम। मुझे लगता है कल के दिन बहुत कुछ अलग होगा, पता नहीं ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो भाई ये इंडिया का इतिहास बन रहा है कि सेकंड दिवाली हो रही है, मतलब कल हम ऑफिस पे जाना है। हाँ ऑफिस तो जाना है भाई, ऑफिस के लिए छुट्टी नहीं है लेकिन हाफ डे होता है, लेकिन हमारे ऑफिस में हाफ डे नहीं होगा क्योंकि हमने जाना है, हम ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे। पर ये किस ऑफिस में सेलिब्रेशन करेंगे, और आज हर बंदे के घर पे ना झंडा है भाई, कुछ अलग ही मतलब कहते हैं एक ही नारा है जय श्री राम। जय श्री राम। और वो देखो झंडे पे आ रहे हैं लड़के, लड़के बाइकें लेके आ रहे हैं, पूरी पूरी बाइकों की रैली निकल रही है। तो चलो मिलते हैं, आगे भी मिलते हैं तो आगे भी दिखाएंगे आपको। यस। तो गाइज अभी पहुंचे हैं हम बरनाई, ये बरनाई आ गया, और ट्रैफिक देखो भाई साहब, आज संडे को इतनी ट्रैफिक है, मतलब इधर से जाने वाले नहीं उधर से आने वाली की ट्रैफिक देखो, तो पता नहीं इतनी दुनिया कहाँ से आई, और हर जगह ना आज एक ही चीज का नारा है, वो है जय श्री राम का। यस, क्योंकि आज ना हर बंदा झंडा लेके, हर गाड़ी पे झंडा है ऐसे लग रहा है, कुछ गाड़ियों में है कुछ गाड़ियों में नहीं है, तो बाकी आपको दिखाते हैं आगे का सीन। और मौसम देखो भाई साहब, एक नंबर मौसम है, ठंड ही ठंड बस और कुछ नहीं। देखो मेडोर वाले ने भी लगाया हुआ झंडा, तो देखो मेडोर के पीछे झंडा लगा हुआ है, और सभी घरों के ऊपर ही, और यहाँ पे एक घर दिखाता हूँ आपको, ये देखो इसके ऊपर ये देखो झंडा, यहाँ पे झंडे हर जगह, गाड़ियों के ऊपर हर जगह लगे हुए हैं। अच्छी बात है यार, जय श्री राम का नारा है यहाँ पे। तो बाकी मिलते हैं आपको मुट्ठी पहुँचने वाला हूँ, आज मुट्ठी जाना है ताऊ जी के घर पे, वहाँ से भी हो जाते हैं भुजी को मिल लेते हैं, वहाँ से मिल के तो फिर निकलते हैं आगे के लिए, क्योंकि आज हमने ड्यूटी नहीं जाना, कुछ काम है वो खत्म करने, तो इसलिए मैं सोचा आज उनसे ही मिल लेते हैं, बड़ी टाइम हो गया उधर भी नहीं गया, तो आज उनसे ही मिल के निकलते हैं भाई जी को, और भुजी के पास होके जाते हैं। क्यों सही बोला। चलो गाइस मिलते हैं अभी आपको जैसे मुट्ठी पहुंचता हूं ताई जी के पास अभी। और बाकी रोड देखो, यहाँ पे अभी बननी है, इस साइड बन चुकी है और गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, वो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए मंदिर की वो सजावट हो रही है कल के लिए, मतलब कि सारे क्या मतलब कल के लिए ऐसी तैयारियां हो रही है। आगे देखो यार, आई मुट्ठी सजाई हुई है पूरी मुट्ठी, नहीं आज हर एक गली हर एक मोहल्ला पूरा सजा हुआ है, वो अच्छा लग रहा है ना, अलग सा मतलब। इधर से हमने कुछ लिया था ना, यहाँ से हमने वॉशिंग मशीन ली थी के लिए। देखो सामने झंडे देखो यार, मुट्ठी की मार्केट ये लगती है। यस। तो गाइस फ्री होने के बाद अभी पहुंचे थे बूजी के घर में, बूजी के घर से होके अभी आए हैं जहाँ में पहले होता था, सबसे पहले रहता था ताऊ जी के घर पे। और यहाँ पे ना विकास ने क्या सेटिंग की है रूम की, देख सकते हो यार, इसने पूरा फैन, फॉल सीलिंग, पीवीसी, और यहाँ पे माता की सीनरी, पूरा रूम सेटवेट कर दिया। और ये रहे हमारे ताई जी जिनसे मिलने आ जाए हम, और इधर देखो आते रजाई पहले पकड़ ली, ठंड है देखो लाइट्स। तो ये देखो ये बंदा ना मिलने आ रहा है, ना हाय ना हेलो ना पैरी पोना ना कुछ, क्या तेरे को कुछ नहीं पता, तू किसके पास पढ़ने जाता है और क्या सीख के आता है, हैं हैं? चल ठीक है फिर कोई बात नहीं, तू लेट जा ऐसे ही मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय बाय, कर रेस्ट कर, तू रेस्ट को कंबल ले ले, ऊपर कंबल ले ले पूरा ऊपर, कोई जय नहीं को कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ बातें छड़ी बातें हैं इसकी, कोई जरूरत नहीं जय करने की, लेट जा तू लेट जा कोई बात नहीं तू लेट जा, ये कल तेरा कल तू देखना ऐसी देखना कल, और कल ना जो जो इसके टीचर है ना उसको बोलना इसका व्लॉग जरूर देखना, ठीक है ठीक है।
ठीक है। अच्छा चाची को दो हम दे। हैं? शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, कोई बात नहीं पुत्र, कल कल देखना कल कितनी शर्म आ रही है। ठीक है ठीक है, चल फिर चले आ, चल जाना है, जाना है, हैं? चल मैं जा रहा हूँ फिर अभी, बाय बाय। ठीक है ठीक है, छू यहाँ पे चलता हुआ ये आज ना हरे राम, ना ना हरे रामा हरे कृष्णा जी का ना वो कीर्तन चलता हुआ और डांस चलता हुआ। सो गाइस बड़े दिन के बाद हम मुट्ठी गए, आज मैं तो फर्स्ट टाइम उठी गई शादी के बाद। मैं दो महीने हो गए, दो नहीं महीने हो गए, आप सितंबर में शिफ्ट तलाक के लो हो गए थे। यस थ्री मंथ के बाद, तीन महीने के बाद मैं मुट्ठी गया हूँ। तो सबसे मिल लिया, खाना शाना भी खा लो, बहुत मीठा हो गया आज, मतलब हर चीज मीठी 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 मीठी। कहते फर्स्ट टाइम घर पे आई है लड़की तो मीठा ही कुछ खिलाते हैं, इसलिए शायद मीठी बातें करें, मीठी रहे परिवार में, मीठा मिठास बोले, मिठास बोले, इसलिए मीठा खिलाया ना उन्होंने। बहुत मीठा हो गया आज और बहुत ही पेट फुल हो गया। तो अभी तो हम वहाँ से निकल चुके हैं, अभी हमें कुछ अपने काम भी हैं जो आज करने ही करने, क्योंकि बाकी दिन टाइम नहीं होता है, तो सोचा आज छुट्टी है तो आज के दिन वो सारे काम फिनिश कर रहे हैं। यस ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं दादी दादू से मिलने, दादी दादू से मिल लेते हैं क्योंकि संडे भी है, उनसे मिल लेते हैं, फिर नेक्स्ट कब चक्कर हमारा इस एरिया में लगे, कब पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस एरिया में तब भी चक्कर लग सकता है। और देखा देखा लगता है, हाँ आई थिंक देखो होगा कहीं ना कहीं। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने दादू दादी से मिलने, क्योंकि हम नेक्स्ट जब छुट्टी होगी तभी आप आएंगे, अदरवाइज नहीं। और कल तो बहुत ही स्पेशल डे है, जय श्री राम। कल बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है, कल एक ही नारा होगा जय श्री राम, कल हम सुबह मॉर्निंग ही हमारी जय श्री राम के साथ ही होगी। तो अभी हम पहुंच चुके, अभी हम जा रहे हैं श्वेता के घर, श्वेता के घर उसको बाहर ही बुलाया क्योंकि हमने कहीं और भी जाना है। और ये रही श्वेता, देखो नाम लिया और बंदा हाजिर, बंदी हाजिर, बंदा नहीं आया, छोटा वाला बंदा हमारा, छोटा वाला बंदा नहीं आया, बंदी आई है बस, नहीं हमारा छोटा वाला बंदा, वो बंदा उधर ही रह गया। तो ये आपका और क्या हाल चाल है आपके? ठीक आपका? अच्छा दादी घर नहीं चल रहा है? दादी घर आज नहीं यार, क्यों? मम्मी पापा आएंगे, क्यों नहीं आना? फिर मम्मी पापा ने आना था, ये भी उन्हीं के हाथ भेज देना था, तो आ बोलते मैं आ गई। तो फाइनली हम श्वेता से मिल लिया बाहर ही, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं दादू दादी के घर, जो सामान लेना था वो भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो अभी हम पहुंचेंगे दादू दादी के घर। ये रहा इनका कुछ ऐसे मोहल्ले का दृश्य, दृश्य ये तो मोहल्ले का दृश्य दृश्य। हमने आज रूट ना चेंज किया, पुराने रूट से आते थे क्योंकि जहाँ से हमने श्वेता से लिया है वो अलग रूट था, ये अलग रूट है। तो अभी हम पहुंच गए हैं दादू के घर के बाहर और अब जाते हैं अंदर, तो मिलते हैं उनसे। यस फिर हम अपना फोन भी चार्ज करते हैं। यस फोन की बैटरी बची है सिर्फ गाइस 3%। गाइस देखो घर पे पहुंच गए, बस इतना गुस्सा नहीं, इतनी ठंड नहीं है, रुक जाओ आ रहे हैं दादी आस्ता आस्ता। आगे आए हैं दादू खोलने के लिए, लाओ जी। ठंड है तो फाइनली गाइस सारे काम खत्म करने के बाद अभी जा रहे हैं घर की तरफ और अभी हुए फ्री क्योंकि दादा से मिल लिया। दादा से मिलने के बाद इनकी फेस पे स्माइल कुछ अलग ही होती है। तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ, अभी पहुंचे हैं हम शक्तिनगर कि हमने अभी बक्शीनगर जाना है अपने, इन्होंने बक्शीनगर जाना है अभी थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट के पास। देखा 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 स्माइल, इतना झूठ तो किसके पास जाना है बक्शीनगर? चलो ठीक है भाई, इन्होंने अभी बक्शीनगर जाना है, इनको वहां पे भी लेके चलते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। और अभी शाम के बज चुके हैं, सुबह के निकले हुए बज चुके हैं 5:30, वो ले पूरे 5:30 हो चुके हैं गाइस। तो अभी आपको मिलते हैं जब इनको मैं उतारता हूँ बक्शीनगर, देखते हैं कोई अगर
होगा कुछ नया सरप्राइज या कुछ तो देखते हैं, अदरवाइज आप कल वाले व्लॉग को तब तक वॉच मारते रहो। तब तक हम बक्शीनर पहुंचेंगे, बक्शीनर से फिर छन्नी पहुंचेंगे, और कल भी हमारी ड्यूटी दोपहर की है, मॉर्निंग की नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ता हमारा मॉर्निंग शिफ्ट वाला आ रहा है। और अभी इधर ट्रैफिक भी, आज संडे है यार, संडे को क्यों ट्रैफिक है इतना, ये समझ नहीं आई मुझे। सारे घर जा रहे हैं और सब आज मुझे लग रहा है घूमने निकले हैं, और हर जगह झंडे दिख रहे हैं मुझे आज, जय श्री राम के। यस, किसके? जय श्री राम। तो अच्छी बात है, आगे रोड खाली है, धुंध पड़ गई है और ठंड है भाई साहब, बहुत ज्यादा ठंड है। तो चलो मिलते हैं आपको बक्शीनगर पहुंच के। हम बक्शीनगर गए थे सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि सोचा मंडी से निकल रहे हैं तो मंडी जाते जाते से सब्जी भी ले लेते हैं, तो सब्जी भी ले ली। अभी हम निकल चुके, अभी पहुंच चुके हैं जीवल, और ये रहा अभी इस समय का नजारा जीवल का, और जो कल की सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे भी बड़ी मतलब अंदर से इतनी खुशी मिल रही है ना, मतलब कि कल के लिए, स्पेशली कल के लिए, 22 जनवरी के लिए, तो मतलब कल का दिन सबसे खास होने वाला है। गाइज अभी पहुंचे हैं हम, गेस कर सकते हो आप, त्रिकुटा नगर। और अभी यहाँ का ये कि अभी यहाँ पे लग गया जाम, और पहुंचते हैं घर पे अभी, हाल ही यहाँ से हमें 4 या 5 मिनट लगने हैं घर पे, घर पे पहुंच के देखते हैं, मिलते हैं आपको घर पे। आप तो फाइनली गाइज घर पे पहुंच गए, और अभी मस्से पहुंचे, और मसा क्या हुआ, 6:30 हो गए, पता नहीं चला 6:30 कैसे हो गए। और अभी घर पे काम कुछ पेंडिंग है, क्योंकि कपड़े धोने वाले पड़े, पहले वॉशिंग मशीन की फिटिंग करते हैं पूरी प्रॉपर, क्योंकि वॉशिंग मशीन की अभी फिट नहीं की है, वो करते हैं उसके बाद, वॉशिंग मशीन फिट करने के बाद उसको लगाते हैं, कपड़े डालते हैं उसमें, और बाकी कुछ और काम पेंडिंग है वो भी खत्म कर लेते, क्योंकि आज छुट्टी थी और आज कर नहीं पाए, और कल से हमें छुट्टी नहीं है, कल से हमारी 12 से 9 की शिफ्ट है, तो सुबह उठते उठते 9:30 बज जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। और गाइस आज का दिन हमारा बहुत सही था, अच्छा था, मस्त था, छुट्टी थी, इंजॉयमेंट किया, घूमे फिरे, कल भी गए थे आज भी, पर एक ना ऐसे सुकून सा मिलता है कि छुट्टी है यार, थोड़ा घूमने फिरने निकले हैं, थोड़ी टेंशन फ्री, माइंड फ्रेश, सब चीज़ें हो जाती हैं उससे। और आज के दिन की यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि आज बहुत हो गया, बहुत घूम लिया, गोल्स फिर लिया, अब काम की बारी है, काम करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं कल सुबह आपको नए ब्लॉग, नए दिन के साथ। तो जो इस ब्लॉग पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, और कल के लिए जय श्री राम सबको। कल सारे छुट्टी होगी शायद, गेस्टेड हॉलीडे तो नहीं, शायद गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी होगी, प्राइवेट में नहीं है। और जो भी है, हर घर पे झंडा होगा जय श्री राम का, और कल के लिए सबको जय श्री राम। और आज का दिन की यहीं पे करते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ।